दाने वसूलने के सिवा, हाथ चुमाने के सिवा क्या किया? तो मैं एक बात अर्ज करूंगा कि एक ऐसा भी वक्त था और ऐसे भी पीर थे और ऐसे भी हैं जिनके दम कदम से पूरा इस्लाम सलामत है। तस्वीर के दोनों रुख देखना जरूरी है। एक ऐसा भी वक्त था, एक ऐसा भी वक्त है, ऐसे भी लोग हैं कि वो जमीन पर जिंदा हैं, उनके कदम पड़ते हैं तो उनके कदमों की बरकत से पूरे इस्लाम सलामत है। ऐसे भी लोग, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पीरी मुरीदी के नाम पे कौम को बेड़ा गर्क, बेड़ा गर्क हल्का बढ़ाया, उन्होंने मुरीदों की तादाद बढ़ाई, नजराने लिए। अब तो जलसों में पीरों को बुलाना जरूरी हो गया, कैसी रिवाज बना, कहां फर्ज है वाजिब, कहां फर्ज वाजिब है, एक पीर को साथ में लगा लो। पीर अगर अमीन मिल्लत जैसा हो तो जमीन पे नहीं दिलों पे भी उनके कदम रखे जाते हैं। पीर गुरु बढ़ाते, छाट छाट के मौलाना मुरीद हो जाएंगे मेरे ज्यादा तो मेरा जलवा ज्यादा हो जाएगा। मदरसों के बच्चों को मुरीद करो तो आगे आगे चल के ये हाफिज आलिम बनेंगे, मेरे लिए लड़ेंगे, बहस करेंगे, प्रचार करेंगे। पीर अगर इस तरह का है जो गुरु बनाता है सिर्फ अपने नजराने, अपनी शोहरत, अपनी मकबूलियत, अपना गिरोह मजबूत करने पर तवज्जो देता है तो उसे जलसे में ही नहीं बल्कि बस्ती में नहीं घुसने देना चाहिए। और अगर पीर ताजु शरिया जैसा है तो उसके लिए दिल नजर जिगर बिछा देना चाहिए। हक है, हक, बेशक, वाह वाह, बहुत अच्छा। तो पीरों ने बेड़ा गर्क और पीरों ने ही इस्लाम बनाया, इस्लाम बचाया, और पीरों ने ही इस वक्त, आजकल तो पीर एक मौलाना अपना साथ में लेके चलते हैं। मेरी करामतें बयान, जमीन आसमान के कलावे मिलाओ, ये पीर है, इनके देख रहे, जिसके देखने से चींटी नहीं मरती है उसके बारे में एक एक घंटे ये देख रहे, तो अल्लाह जाने क्या क्या बता देता है, क्या क्या हो जाए। अरे वो पीर पैसे का भूखा है जिसका पेट नहीं भरा, वो तुम्हारा पेट क्या भर सकता है, वो आपका पेट क्या भर सकता है जो खुद भूखा भटक रहा है, आज यहां कल वहां परसों वहां नसों वहां। लोटा पीर, सोटा पीर, खोटा पीर, पता नहीं कौन कौन बाबा, कहां कहां बाबा, लेंगड़े बाबा, लूले बाबा, काने बाबा, खुतरे बाबा, और ड्रामेबाजी, नौटंकी इतनी। बड़े पीर साहब के पोता ले, सीधे गौसे पाक के पोता, ऐसे भी सुना है मैं, कौन है? अरे बड़े पीर साहब के पोता ले। अबे पोता बनाने की बनने की क्या जरूरत है, अगर सच्चा गौसे पाक का गुलाम बन जाता तो इंशाल्लाह इस जमाने का इमाम बन जाता। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हक है,
हक है बेशक। जरूरी पोते बनो तभी काम चले, सच्चे गुलाम बन जाओ। एक बात बताऊं, बहुत से लोग महल्ले के भी नहीं आए मिलाज शरीफ, मुझे कोई शिकवा नहीं है। बहुत से लोग पास पड़ोस के भी नहीं आए, गांव के नहीं आए तो कोई बात नहीं, पास पड़ोस के भी नहीं आए। अच्छा मेरी भी कुछ गलती है कि दिन के 3 बजे जलसा शुरू हुआ, जलसा करने कराने का प्लान बना, न ऐलान न चर्चा न जिक्र, एकदम अचानक इतने अच्छे अच्छे लोग आ गए। ये करम है गौसे आजम का, इसमें मौलाना लियाकत की थोड़ा कोई वो है, ये उनका जिक्र है, वो जिसको चाहते हैं उसे मौका दे देते हैं। अभी एक बात 2-3 बार सुनी होगी लेकिन शायद आपने सीरियस नहीं लिया, तवज्जो नहीं दी। सरकार गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं अगर ना चाहूं तो मेरा नाम भी कोई नहीं ले पाएगा। गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब तक मैं ना चाहूं उस वक्त तक आप नाम नहीं ले सकते उनका। आपकी जबान पे गौसे पाक का नाम तक नहीं आएगा। वो ना चाहे अगर सरकार से कितना शेख मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी अल-बगदादी का नाम आप ले रहे हैं तो ये पहचान है, ये अलामत है, ये सबूत है कि वो तुम पे अपना करम कर रहे हैं। करम कर रहे हैं, वरना ये बात सरकार गौसे पाक ने खुद फरमाई है कि मैं ना चाहूं तो मेरा नाम तक नहीं ले पाओगे, और मैं उनका नाम ले रहा हूं, आप उनका जलसा सुन रहे हैं, ये उनकी शायरी पढ़ रहे हैं, ये उनकी तकरीर कर रहे हैं, तो ये अलामत है, ये पहचान है, ये सबूत है, ये दलील है कि बगदाद से तुम पे करम की बारिश हो रही है। वो गौसे आजम चाह रहे हैं, वो उनका करम तुम पर बरस रहा है और तुम उनका नाम भी ले रहे हो, उनके नाम का जलसा भी करा रहे हो। ये तो कंफर्म हो गया कि वो चाह रहे हैं, है कि नहीं? देखो मुझे तो यकीन है, मुझे तो इत्मीनान है कि वो चाह रहे हैं कि जलसा हो, और वो ये भी चाह रहे हैं कि आप जलसा सुनो। भाई जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, मुझे यकीन है कि उनके कर्म की बारिश हो रही है इस वक्त। इस वक्त आप मानो या ना मानो उनके कर्म की बारिश हो रही है। तो भाई साहब उनका नाम नहीं ले सकते बगैर उनकी मर्जी के, तो 11वीं भी कौन करा लेगा बगैर उनकी मर्जी के? 11वीं हो रही है तो समझ लो ये उनका कर्म, ये उनकी मर्जी। जलसा हो रहा है तो ये उनका कर्म, ये उनकी मर्जी। उनका नाम ले रहे हैं तो ये उनका कर्म, ये उनकी मर्जी। उनके शेर पढ़े जा रहे हैं तो ये उनका कर्म, ये उनकी मर्जी। उन पर तकरीरें हो रही तो ये उनका कर्म, ये उनकी मर्जी। आप रात जग रहे हो तो ये उनका कर्म, ये उनकी मर्जी। आप सुभान अल्लाह बोल रहे हो तो ये उनका कर्म, ये उनकी मर्जी। आप नारा लगा रहे हो तो ये उनका कर्म, ये उनकी मर्जी। आप 11वीं मना रहे हो तो ये उनका कर्म, ये उनकी मर्जी है। तो पता ये चला, जब उनकी मर्जी है कि 11वीं मनाई जाए, जब उनकी मर्जी है कि जलसा मनाया जाए, तो इंतजाम भी हो जाएगा, मौलाना भी आ जाएंगे, रात भी सफेदारी भी हो जाएगी, अल्लामा नासिर भी मिल जाएंगे। क्यों? इसलिए कि उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। हम डर रहे थे कि 12 बजे तक लोग रुकेंगे कि नहीं रुकेंगे, लेकिन जितने 8 बजे आए थे अल्हम्दुलिल्लाह सब एक एक आदमी बैठा है। जितने लोग आए थे वो सब जीते जागते चमकते चेहरे, सुभान अल्लाह। कोई ना सो रहा है, ना मुर्दा जैसा मुर्गा जैसा ओंघ रहा है, ना लौंगे बना रहा है, सब जलसा चमकते दमकते नूर वाले चेहरे हैं। क्यों? इसलिए कि उनकी मर्जी है,
उनकी मर्जी है कि अल्लामा नासिर रजा चतुर्वेदी की तकरीर हो, उनकी मर्जी है कि लियाकत अली भी कुछ बोले, ये उनकी मर्जी है। और जब उनकी मर्जी है तो हम सब की भी वही मर्जी है जो उनकी मर्जी है। भाई ग्यारहवीं शरीफ किसकी औकात है? अगर उनकी मर्जी हो ना बना न मना पाया तो कौन मना लेगा? हाँ, उनकी मर्जी ना हो तो ग्यारहवीं शरीफ कौन मना पाएगा? मना सकता है कोई? जब नाम ही नहीं ले पाएगा, जब नाम ही नहीं ले पाएगा तो मना कौन पाएगा? ग्यारहवीं शरीफ कोई जरूरी थोड़ा हो कि आप मार करोड़पति से मनाओ। अल्लाह जितनी तौफीक दे एक पतीली से मनाओ, अब 20 रुपए से मनाओ, 50 रुपए से मनाओ, वहाँ डेगों की गिनती और बोटियों की गिनती नहीं होती, वहाँ पैसे करोड़ों अरबों के शुमार नहीं होता, वहाँ तो दिल देखा जाता है कि किसके दिल में मेरे लिए कितना प्यार है। हाय हाय हाय, हक है हक, वाह वाह वाह। एक आदमी था वो हर साल 11वीं शरीफ मनाता था, लंगर करता था उनके नाम से, और उस दिन वो बड़ा खर्च करता था। उसकी जेब में जो होता था वो कहता, आज का दिन मैंने गौसे पाक के नाम पे निकाल लिया। वो खूब खर्च करता था, कोशिश ये करता था ज्यादा से ज्यादा गरीब का पेट भरे। यकायक अचानक एक बड़ी जिम्मेदार आदमी के यकायक अचानक एक दिन उसके घर में आग लग गई। रात का सन्नाटा था, रात की तारीकी, पूरा घर सो रहा था, छोटे छोटे बच्चे सो रहे थे बंद कमरे में, सर्दी का मौसम था, घर में आग लग गई, पूरा घर अंदर बंद, पूरा घर अंदर बंद, चारों तरफ से पूरा घर जल रहा है, बीच में पूरा परिवार सो रहा है। जब आंच लगी, गर्मी लगी तो सबकी आंखें खुली, और जैसे ही आंखें खुली तो जब मामला समझा, जब तक आग बिल्कुल बिस्तर के करीब आ चुकी थी, अनकरीब जलने वाला था, पूरा घराना जल के खाक होने वाला था। एकाएक उसके जबान की उसकी आदत थी, जबान से निकला अल मदद या गौसे आदम, जोर से बोल दो, जबान से आवाज निकली अल मदद या गौसे आदम। ये उसकी आदत करीमा थी, वो उठता था तो या गौसे आदम, चलता था या गौसे आदम, बोलता था या गौसे आदम, ये उसकी आदत थी। और जैसे ही रात की तारीकी में पूरा जमाना सो रहा है, पूरी कायनात सो रही है, पूरी बस्ती सो रही है, सारी गलियों में सन्नाटा है, रात की तारीकी छाई है, और ऐसे आलम में पूरा घर चल रहा है, जब गर्मी लगी तपिश आग खुल गई, मामला समझा तो समझ गया कि आग लग गई है, चारों तरफ से आग जल रही है, बीच में मेरा घर है, अब कौन बचाएगा? जबान से आवाज निकली अल मदद या गौसे आजम। अभी इतना कहना था कि एक सफेद चेहरे वाले नूरानी बुजुर्ग सफेद लिबास में उसी आग के दरमियान में आए और पूरे घर को गोद में उठा उठा के बाहर लेके गए, रास्ते में खड़ा किया, और रास्ते में खड़ा किया, पूरा घर बच गया, पूरा घर बच गया, पूरी जायदाद पूरी प्रॉपर्टी बच गई, जरूरी कागजात भी निकाल लिए गए, बिस्तर भी निकाल लिए गए, तमाम जरूरी साजो सामान भी निकाल लिया गया। और जब सब बच गए तो वो नूरानी बुजुर्ग चल दिए, तो उसी आदमी ने हाथ पकड़ा और पकड़ के कहने लगा, ये जाने वाले फरिश्ते जरा ये तो बता, ये मेरे मोहसिन ये तो बता कि आखिर तुम हो कौन कि बीच आग में मेरे पूरे घर की जान बचाने वाले, मेरे पूरे मालो मता बचाने वाले आखिर तुम हो तो कौन हो? तो पलट के आवाज आई,
अरे बेवकूफ, जिनकी हर साल ग्यारहवीं कराता है उन्हीं को नहीं पहचानता है। आए, है, 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 नारे तकदीर, नारे रिसालत, नारे होशियत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने औलिया इकराम, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा ये बता, जिनकी हर साल तू ग्यारहवीं कराता है क्या तू उन्हीं को नहीं पहचानता है? कहा हुजूर कभी देखा नहीं, नाम बताए कौन है? तो कहा मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ, तू मेरा मुरीद है, मेरा गुलाम है, और मैं मुसीबत के वक्त अपने किसी गुलाम को साथ नहीं छोड़ता हूँ, हर मुसीबत में उसके काम आता हूँ। अब उनका गुलाम जो जो गुलाम है उनके भाई साहब सोच, मैं तो कहता हूँ ये आजकल के लोटा पीर, सोटा पीर, खोटा पीर, बोटा पीर, हड्डा पीर, पोंगा पीर, भड्डा पीर, चड्डा पीर, खड्डा पीर, गड्ढा पीर, सोटा बाबा, लोटा बाबा, खोटा बाबा, अच्छा घुंगरू वाले बाबा, कड़ा वाले बाबा, लंबा चोगा वाले बाबा, खिचड़ी वाले बाबा, खीर वाले बाबा, चुटिया वाले, छल्ला वाले, मुदरी वाले, नथुनी वाले, हाँ कड़ा वाले एक बाबा आए थे, कड़ा बोलते झम, क्या क्या ड्रामे हो रहे हैं पीरी मुरीदी के नाम पे, बाबा गिरी के नाम पे, क्या क्या नौटंकियां हो रही हैं, तबाह कर इस्लाम से कतई एक भाई के दाना बदाना के बराबर भी रिश्ता नहीं। अरे मस्जिदों में जाते वो बाबा अपनी अलग गए, इस्लाम मस्जिद की तरफ जाता है और वो खेत की तरफ ले जाते हैं, उनका अलग गए सब कुछ। और ये हमारे लोग भी कोई कोई ढुलमुल मिल जाते हैं ना तो सुबह क्या उन्हें मना करो, समझे देखो भाई हम काहे कोई बुरो कहें, ये कैसा इनका ईमान ना भाई, हम काहे मतलब रखें, अब तुम मौलाना हो तुम कहो, हम काहे मतलब रखें। याद रखो जितना फर्ज एक आलिमे दीन पे है, गलत का विरोध करना अपनी हसियत के एतबार से जितना फरीजा एक आलिमे दीन का बनता है, उतनी ही जिम्मेदारी हर मुसलमान की बनती है। अकेले जंगे हम लिखा के नहीं आए, हमारे लिए कौन सी स्पेशल छूट दे देते हो भाई साहब, हम अकेले तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हें बता मैं फिर गाली खाए, तुम्हें मसला बता मैं कि भाई साहब गुनाह है, गुनाह है, ये उल्टा धीर, खोटा पीर, लोटा पीर, धोटा पीर, बोटा पीर के पास मत जाओ, गुमराही है, ये नमाज से दूर करते हैं, गंजड़ी पीर, भंगड़ी पीर, गांजा पीर, सरदाव पीर, भांग पीर, चिलम पीर, फिर बाद में गाली खा, तुम्हें लड़ाएं बहस करें तुम्हारे लिए, मसला बताओ, हमारे बाप को कोई अकेले की जिम्मेदारी तुम्हें कहा है बताए ना, बता मैं तो ना बता मैं तो बताए तो गाली खा, अरे ये मेरा एहसान है कि मैं बता रहा हूँ, मेरे अकेले बाप का इस्लाम नहीं है, इस्लाम कितना मेरे बाप का है, इस्लाम हैदराबाद के हर उस मुसलमान बच्चे का है। मेरी अकेली जागी फिर बाद में गाली खा, अच्छी बात बताओ, शरीयत की बात बताओ, मसला बताओ, भाई साहब गलत है, गुमराही है, अरे मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ, मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। अबे इतने बड़ा बेशक होता ना है, ठीक इतना बड़ा बेशक होता है, सबसे ज्यादा वही समझदार है, मसला बताओ फिर गाली खाओ, हमारा क्या खाली हम का है गाली खा, है नहीं हजरत? अच्छा हमारे लिए कौन सी स्पेशल छूट है, तुम महल्ले में अगर किसी के यहाँ आप जा नहीं पाए तो वो तुम्हारे यहाँ नहीं आएगा,
अरे हमें तो कम से कम बहने से अलग रखो, हम मौलाना आदमी हैं, हम ना आए पामे तुम तो हमारे यहाँ आ जाओ तो कौन छोटे हो जियो है। अरे देखो ना पहले, कम से कम हमें तो इन चीजों से अलग रखो, हम तुम्हारे यहाँ ना जा पाए, कोई काम से ना आ पाए, किसी दीन के काम से होंगे या कहीं बाहर गए होंगे तो हमें, हम किसी पार्टी में ना जा पाए, किसी मिलने ना, तो हमें तो इन चीजों से अलग रखो, हमारे साथ तो वही वाला सुलूक ना करो। फिर हमें मोहम्मद आलम फर्क क्या भैया, वो तुम्हारे यहाँ तुम उनके यहाँ गयो, हम तुम्हारे यहाँ तो हमारे यहाँ, हम ना आए पाए तुम्हारे यहाँ आई गयो। अरे तनी थोड़ा नरम हो जाते यार, मौलाना आदमी है जे ना आए पाए तो हम इनके यहाँ चले जाए, है ना? थोड़ा तो कम से कम एहसास रखो, थोड़ा तो और लोगों से अलग रखो, हमारे साथ भी वो सलूक ना करो जो एक आम आदमी के साथ करते हो। अगर छोटी छोटी बात में नाराजगी, दूरी हुक्का पानी बंद सबके साथ करते हो तो मेरे साथ तो ना करो। कम से कम एक आलिम होने का एहसास इतना तो ख्याल रखो, इतना तो ख्याल रखो। हमारे यहाँ वो नए काम कराई ना है, हमारे यहाँ तो हम उन्हें काम करी हैं, ले। अब वो चाहता है कि हम भी उसके यहाँ काम कराए जाए, अरे वो चाहते हैं कि हम भी उनके यहाँ काम करें, तब वो हमारे यहाँ काम करने आएंगे, ले। अरे थोड़ा तो मौलाना होने के नाते रियायत कर दो। कैसा दिन आ गया कि हमें तुमसे कहना पड़ा, कैसे दिन आ गया कि हमें तुमसे कहना पड़ा, हालात ऐसे हमसे ना कहें तो हम ना जी, हमसे देखो हमसे कुछ कहीं ना है तो हम जाइए ना, बैठे दिन भर घरे नहीं। अगर मानते हो आलिम तो थोड़ा तो फर्क रखो, इसका मतलब कि आप मुझे आलिम नहीं मानते जितना आप पास पड़ोसी दूसरों को मानते, मुझको भी आप वही दर्जा देते। साफ साबित होता है कि जितना भैया सबको आप समझ, जो सलूक सबके लिए वो हमारे लिए। और हम क्या चाहते हैं भाई, हमारे पास अकेले हैदराबाद तो नहीं है, हम इतना है, हमें और कुछ आगे देखना पड़ता है, कभी हम आए पाए कभी ना आए पाए। लेकिन ये सच है, नफरत किसी से नहीं करता, नफरत किसी से नहीं करता। और मैं चैलेंज करता हूँ, 8-10 महीनों से कोई साबित कर दे कि मैंने किसी शख्स की कोई एक भी बुराई की हो, साबित कर दे कि मैंने गांव के किसी फर्द की एक को बुराई की हो। और मैं साबित कर सकता हूँ भाई साहब मेरी करी है लोगों ने, हाँ मेरे पर मेरी करी है लोगों ने। और जब भाई साहब आपको कोई आदमी टच नहीं करता, कोई आपको भला कर पाता है तो करता है, नहीं कर पाता तो अपना दाएं हो जाता है। क्यों आप बिला वजह वजीफा पढ़ रहे हैं? जब आपको करे तो करो, तो ये सब कह देंगे भाई साहब बहुत तो इसे कहीं ना है, है ना? और जब आपको कोई कुछ ना कहे, आगे पीछे कहूं यादें ना करे, ना मैंने भलाई कर पाएंगे तो करेंगे, नहीं कर पाएंगे तो ये साइड में हट जाएंगे। तो खाली आप भाई साहब काहे वजीफा पढ़ रहे हो, वो ऐसे खाली का है? एक जुमला तो तुम याद दिला दो कि फलाने मेरे लिए ऐसा कहा था, उसके जवाब में मैं ऐसा कर रहा हूँ, है नहीं? तब तो लोग कह देंगे भाई वो तो कहना है, अब तो सुनबे करे, जब पहले तुम कहे तो सुनियो ना। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अगर न चाहे तो आप उनका नाम भी नहीं ले पाओगे, वो चाह रहे हैं कि आप उनका जिक्र सुनो तो आप सुन रहे हो। सरकार को से पाक ने फरमाया, ये सोटा पीर लोटा पीर खोटा पीर ये पोता, इससे मुरीद होने की जरूरत नहीं, इसके पीछे भटकने की जरूरत नहीं। अरे इन गुरुबाजी सुन्नियत को टुकड़े टुकड़े में करने वाले आजकल के पीर हैं, सुन्नियत को एक नहीं किया, अपना अपना सबने ग्रुप बना लिया, मेरा फला ग्रुप है, मेरा फला ग्रुप है, मेरा फला ग्रुप है, इन सब लोगों ने ग्रुप बना लिया। अरे सुन्नियों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप का नाम मस
और दीन जरूरी है पहले दीन। किसी आदमी शख्सियत जबरदस्ती, एक वो मौलाना है बंबई के कलीम हनफी साहब, वो थोड़ा उजड़ थोड़ा लड़ाका भिड़ाका आदमी लगता है बातों से, मुलाकात नहीं हुई हमारी, खूब भैया दंगा फसादी आदमी लगता है। हाँ नहीं, वो सुन्नी काम करते अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब जैसे वो सुन्नी को बुरा कहते हैं ऐसे जैसे वो देवबंदी अहले हदीस को बुरा करते कहते वो ऐसे सुन्नी को भी हैं। अरे सुन्नी ने मननानी मियाँ को मनमानी मियाँ, अब वो उस आदमी ने आज तक भाई साहब सुन्नियों के आपस के लफड़े को फंसाने के काम किया, बढ़ाया एक ऐसा जुमला मननानी मियाँ को मनमानी बोला, आग लग गई, बात बढ़ गई। अभी एक मौला वो चला मुहद्दिसे कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को एक मौलाना ने कुछ कहा तो उसके चक्कर में उनको मौलाना गुलाम बिरयानी ले, अब उनको कह रहा मौलाना गुलाम बिरयानी है ये खबीर है ये फलां है ये फलां है। अरे मुहद्दिसे कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब को मानता तो हूँ भाई साहब, और कितना मानूँ, कितना मनवाना चाह रहे हो, कुछ नाप तौल थर्मामीटर तो बता दो भाई, जमात के सबसे बड़े आलिम हैं, हमारे उस्ताद के उस्ताद हैं, और कितना मान ले, और ना माने तो कब तुम गाली दे हो, या लोकतंत्र है हिंदुस्तान आजाद है, हम नहीं मान पा रहे लेकिन हम आपको गाली भी नहीं दे रहे, तो आप क्या मार गाली दोगे। वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, सच्चों के साथ हो जाओ, इस्लाम में सियासत हराम नहीं है भाई साहब। अभी मौलाना हाशिम कुद्दूसी साहब ने बताया गौस पाक ने सियासत ऐसी सियासत की कि उस वक्त के खलीफा के सारे गवर्नरों को अपने आदमी रख दिए, पहले गवर्नर को अपना मुरीद बनाया, दीवाना बनाया, डांटा फटकारा, जब उस तोबा कर ली माफी मांगी तो फिर गुलाम बना लिया, और जब गुलाम बना लिया तो आपने फिर गवर्नर सब चेंज करो और सब अपनी मर्जी के गवर्नर पूरे मुल्क में रख दिए। सियासत उलमा के लिए हराम नहीं है, सच पूछो तो मुसलमानों की बेहतरीन वकालत नुमाइंदगी प्रतिनिधि उलमा ही वो कर सकते हैं, उसके अलावा दूसरा नहीं कर सकता है। उलमा ही कर, लेकिन बुजुर्गों ने एक तरीका निकाला था कि उलमा मस्जिद मदरसों में बैठे और अवाम के लोगों में सियासी लोग पैदा करें, लेकिन वो सियासी लोग उलमा के मातहत सियासत करें, उलमा रोडों पे ना जाएं, उलमा दर बदर ना जाएं, अपने लोग बनाएं। ये था बुजुर्गों का तरीका कि जो भी आगे बढ़े मुसलमानों के तमाम नौजवान लड़के आगे बढ़े सियासत में जाएं, लीडरी करें, लीडरशिप बने, लेकिन उलमा से टच रह के करें। ये पहले का तरीका था, बात तो भाई साहब जो कुछ है सब ठीक है, इल्ला माशाल्लाह। वकुनु मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। एक बात और, बस दो मिनट की है, एक मदार शरीफ है हजरत अली शाह बाबा का, पंजाब के बॉर्डर इलाके में एक मदार शरीफ है, मैं वहाँ गया हूँ, उस इलाके में तकरीर करने गया हूँ, वहाँ एक मदार शरीफ है हजरत अली शाह बाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की, वहाँ हर साल एक उर्स होता है, और उस उर्स में एक साल पहले मुर्गा मांगते हैं लोग या बकरा मांगते हैं, तो जिस मुर्गा को मानते हैं अल्लामा चतुर्वेदी साहब क़िबला, उस मुर्गा के टांग में अली शाह बाबा के नाम से डोरा बांध देते हैं, एक तागा बांध दिया उसके पैर में छल्ला, अली शाह बाबा के नाम का डोरा उसके मुर्गे के या बकरे के पैर में बांध देते हैं, छोड़ देते हैं, फिर वो साल भर तक जंगल में रेगिस्तान में खेत में खलियान में साल भर तक भटकता है।
साल भर, और जब साल पूरा हो जाता है उर्स की तारीख आती है तो सारे मुर्गे अपने अपने मालिक के पास अपने आप पहुंच जाते हैं। जरा जोर से बोलो, ये बात बोलने वाली है कि नहीं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सारे जानवर हजरत अली शाह बाबा के आस्ताने के करीब पहुंचते, मालिक अपने अपने कलर के रंग के मुर्गे और बकरे को दूर से पहचान लेते। एक साल पहले हजरत अली शाह बाबा रजी अल्लाह तआला अन्हु के नाम का बांधा हुआ धागा, एक धागा मुर्गे के टांग में, एक साल के बाद मालिक के करीब आता है, चुनके चरके मोटा ताजा होके अपने मालिक के करीब आता है। क्या मतलब? अली शाह बाबा के नाम का धागा उसके पैर में बंधा है, ना चोरी हो सकती है, ना वो मर सकता है, ना उसे कोई जानवर ले जा सकता। वाह 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 हक है। साल भर तक वो महफूज रहता है, वो जानवर साल भर तक महफूज रहता है, और उसके बाद जब साल उर्स होता है तो वो अपने आप आ जाता है। मालिक लोग दूर से पहचान लेते हैं ये वाला मेरा है, और फिर उसी को अली शाह बाबा के नाम पे ज़िबा किया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली शाह बाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से ज़िबा किया जाता है। समझे आप? ये है वकुनु मा सादिकी, सच्चों के साथ हो जाओ बेशक। ये है वकुनु मा सादिकी। क्या मतलब? जब अली शाह बाबा के नाम का धागा किसी एक बेजबान जानवर के पैर में बंध गया तो साल भर के बाद भी उसे तारीख भी याद है, मालिक भी याद है, अपना छोड़ा हुआ इलाका भी याद है, वो दूर से पहचान लिया जाता है, ना उसे कोई जानवर खा सकता है जंगल में, ना उसे कोई चुरा सकता है, ना वो कहीं गायब हो सकता है। ये उसी धागे का असर है। हैदराबाद वालों, जब अली शाह बाबा के नाम के बंधे हुए धागे में इतना असर है तो अगर हैदराबाद का सुन्नी मुसलमान गौसे पाक के नाम का पट्टा अपने गले में डाल ले, इंशाल्लाह महशर में पुलसिरात का मैदान होगा, गौसे पाक का दीवाना उसी पट्टे की बरकत से खींचा चला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम जिंदाबाद, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। भाई साहब, ये मैंने दो तीन बातें बता दी। 15 दिसंबर को एक बहुत बड़ी आलमी सतह की कॉन्फ्रेंस अजमेर शरीफ में अल्लामा नासिर रजा चतुर्वेदी साहब कर रहे हैं, सरकार गरीब नवाज के खास सहन में, मजार शरीफ की उसी अहाते में, आस्ताना गरीब नवाज पर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही जिसमें कई मुल्कों के उलमा आ रहे हैं, और बड़े कई कार्यक्रम वहाँ, आपको मदरसा भी चलता है अजमेर शरीफ में, ये अरशद वगैरह जानते हैं, मतीन अब्दुल मतीन ही जानते हैं, वहाँ मदरसा भी चलता है अजमेर शरीफ।